चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर 3 की तरफ ही जा रहे हैं। चैप्टर 3 बेसिकली चैप्टर 15 को बनेगा, क्योंकि 13-1 हो जाएगा पेपर 3 का, 14-2 हो जाएगा, 15-3 हो जाएगा। हार्डवेयर के अंदर काफ़ी सारी मज़े मज़े की चीज़ें, हम सबसे मज़े वाली चीज़ तो कर चुके हैं, बूलियन अलजेब्रा और के मैप्स। तो उसका हम एक दो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और कर लेंगे। अभी हम मूव करते हैं जल्दी से थ्योरी ऑफ पेपर 3 के चैप्टर 2 की तरफ। पुट इट डाउन है, हम AS के अंदर चैप्टर 6 कर रहे थे और अभी हम जा रहे हैं चैप्टर 15। चैप्टर 15 हार्डवेयर। सही, हार्डवेयर के अंदर आज हम कंपैरेटिवली जो टॉपिक ज्यादा कवर करेंगे दे आर लाइक द थ्योरी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा पैरेलल प्रोसेसिंग। इन पैरेलल प्रोसेसिंग वी हैव हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। कौन कौन सी? अच्छा, पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर हमें अगर कुछ टाइप समझनी है तो एक कॉन्सेप्ट हमें पहले समझना पड़ेगा। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ तुम्हें। देखो, हमारे पास जो पैरेलल प्रोसेस, अगर हम खाली प्रोसेसर का जिक्र करें, इसको भले प्रोसेसर बोलो या भले इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलो या भले इसको माइक्रो कंट्रोलर बोलो, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक चीज होती है इसके अंदर कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, ये क्या करता है? ये करता है एग्जीक्यूट डेटा, डेटा को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सीयू क्या करता है? डीकोड इंस्ट्रक्शन। यानी कि हमने इसको याद करने का तरीका क्या बनाना है कि यार देखो, पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोसेसर के अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डेटा को एग्जीक्यूट करता है, सीयू इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस थ्योरी, रिमेम्बरिंग दिस, एएलयू डेटा सीयू इंस्ट्रक्शन, अब हम इसकी टाइप की तरफ चले आ रहे हैं। पैरेलल प्रोसेसिंग की हमारे पास जो सबसे पहली टाइप आ जाती है उसको हम कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। सो इसमें आपके पास एक ही इंस्ट्रक्शन होगी और ठीक है, एक ही आपके पास डेटा होगा। आपको किस तरह का, जब आपके पास सिनेरियो इस तरह का हो कि आपके पास एक वक्त में एक इंस्ट्रक्शन होगी और एक तरह का डेटा होगा, आप किस तरह का कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाओगे? तो हम इसी तरह का जो हमने अभी इस तरफ बनाया है, हम किस तरह का सीपीयू बनाएंगे जिसके अंदर आपके पास प्रोसेसर, जिसके अंदर आपके पास एक ही एएलयू होगा और एक ही आपके पास सीयू होगा। तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा के अंदर आपके पास क्या होगा? 1 एएलयू, 1 सीयू।
एक कंट्रोल यूनिट, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। इट कैन रन वन इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम, इट कैन डीकोड वन इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, और क्या हो सकता है, ऑटोमेटिक डोर्स और माइक्रोवेव ओवन, एम्बेडेड सिस्टम्स, बर्गलर अलार्म, बर्गलर अलार्म। इसको जो एक छोटा सा एक प्रोसेसर चाहिए। देयर वाज अ टाइम के कंप्यूटर्स होते थे उसमें भी एक ही प्रोसेसर हुआ करता था, लेकिन आजकल के कंप्यूटर एडवांस हैं, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। अगर हमारे पास सिंगल इंस्ट्रक्शन हो और मल्टीपल डेटा हो, सही है। इंस्ट्रक्शन आपके पास सिंगल है लेकिन आपके पास मल्टीपल डेटा। डेटा के लिए आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए? डेटा को मैंने यहां पे किसके साथ लिखा हुआ था? एएलयू के साथ। आप ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैनी एएलयूज वन सिंगल। अच्छा, अब इसको आप बना कैसे सकते हो? इसका आर्किटेक्चर कुछ इस तरह का होगा कि आपके पास ये पिक्चर भी आपको पता होनी चाहिए। एएलयू वन, ALU 2, ALU 3, ALU 4, और इन सबको जो डीकोड करके इंस्ट्रक्शन देने वाला कंट्रोल यूनिट आपके पास एक है। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी? इसकी एप्लीकेशन होती है ग्राफिक ग्राफिक कार्ड्स, बल्कि ग्राफिक प्रोसेसर्स। जिसको हम GPUs के नाम से भी जानते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, GPU। आपके स्मार्टफोन में कौन सा वाला जिप CPU तो लगा हुआ है, GPU कौन सा लगा, सही है। तो जो डेडिकेटेड महंगे वाले सिस्टम्स है, मशीन है, लैपटॉप्स है, PCs है, PCs के अंदर सेपरेट बड़े बड़े कार्ड लगे हुए होते हैं, उसके ऊपर एक और प्रोसेसर लगा हुआ होगा, चिप लगी हुई, वो GPU होगा, सही है। तो मेन यूज क्या है कि एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन लेकिन डेटा तरह तरह का। ऑफ्टन ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन इस तरह की होती है, सेक्शन तो एक ही होती है, रेंडर पीछे से सेक्शन को तो एक ही को करना होगा, लेकिन आपके पास जो डेटा है वो चेंज होकर आप डिफरेंट फ्रेम्स का डेटा आपको खाली चेंज करना। ऑलराइट, सो GPU के बाद अगली चीज आ जाती है हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है, तो उसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, वो है मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। तो ये प्रैक्टिकली नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन कहा जाता है कि कुछ मैथ्स के को प्रोसेसर्स में भी डिजाइन किए गए हो, ठीक है।
जिसके अंदर आपके पास इंस्ट्रक्शंस तो मल्टीपल हो, लेकिन डेटा आपके पास सिंगल। सो इट्स रेयर, और ये हम पार्शियल को सॉल्व करते हुए देखेंगे भी कि इसको ज्यादा बहुत अहमियत नहीं दी जा रही। हाँ, तो आई विल नॉट वेंट टू डिजाइन इट बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट्स एप्लीकेबल। और इसको हर जगह, हम जब से मैं इंजीनियरिंग के बाद आप लोगों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, तो हम इसको पढ़ाते जरूर है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सिंगल डेटा, ये हो सकता है कि अगर आप 101 या 1000 ड्रोन्स को एक ही जगह पे सोच सकता है, लेकिन उसके लिए इस तरह का प्रोसेसर डिजाइन करने की क्या जरूरत है स्पेसिफिक? आप एक स्टैंडर्ड ड्रोन को भी तो आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। मैं समझता हूँ, जैसे वो चाइना में एक उन्होंने शो किया था कि हजारों ड्रोन उड़ाए, ड्रोन्स को एक ही तरह से उन्होंने मूव करवाया, उससे वो डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं। लुक एंड टर्न में भी देखेंगे, लेट्स सी। लेकिन हमारे इवन कैम्ब्रिज के अंदर भी इसकी ऐसे जितने भी एप्लीकेशन है, बट वी लुक एंड टर्न वेरी, बहुत ही रेयर स्टाइल। बाकी सारे तो बड़े कॉमन है, एस आई एस डी और एस आई एम डी, और ऑफकोर्स ये तो आप लोगों के करंटली यूज जितने भी स्मार्टफोन्स लैपटॉप पीसीज है वो नहीं यूज करता। इसमें आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल डेटा, सो इसका जो चिपसेट होगा वो इस तरह का होगा कि आपके पास पूरे के पूरे सीपीयूज मौजूद होंगे, एक से ज्यादा। तो हर सीपीयू के अंदर अपना एएलयू और अपना सीयू होगा, तो मल्टी कोर प्रोसेसर्स फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। इसको हमें बीच में एक बंदा चाहिए होगा जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हमें, जेएस, जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूल करके देगा सारे प्रोसेसर्स को, बारी बारी काम डिवाइड करके देगा। ये करंट आपके जितने कंप्यूटर्स हैं, करंट कंप्यूटर सिस्टम्स, इवन स्मार्टफोन्स, ठीक है, ये सारे MIMD। अच्छा, ये चीज अंडरस्टैंड करने के बाद बाकी पास पेपर्स में से फिर इसकी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। इसमें एक चीज डिस्कस की जाती है, वो है इसके ऑफशूट कॉन्सेप्ट। क्योंकि हार्डवेयर का जिक्र कर रहे हैं ना कि कितनी तरह के माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाते हैं, एक तरह और है, वो तरह ये है। इनकी फुल फॉर्म्स पता? हाँ, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट। और कॉम्प्लेक्स सेट दो तरह के होगा। इसकी जो मेन ईयर इसकी थियरी है वो ये कि हम हार्डवेयर जब डिजाइन करते हैं तो
ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर अगर हम असेंबली लैंग्वेज को देखें, असेंबली इंस्ट्रक्शन, आपको याद होगा उसके दो पार्ट होते थे, एक होता था अपोर्ड और एक होता था ऑपरेंड। ठीक है, तो अब कोड बेसिकली क्या होता इंस्ट्रक्शन सेट। तो अब कोड का से जितना बड़ा होगा ना, उतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हम तरह तरह की यूज कर सकेंगे। अच्छा, जब हम कभी असेंबली लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि LDD, LDX, LDB, LDC, JPEG, ये तरह तरह के इंस्ट्रक्शन होंगे ना, ऐड, स्टोर, मल्टीप्लाई वगैरह। तो जब भी कभी हम ऐड के इंस्ट्रक्शन रन करते हैं असेंबली लैंग्वेज, तो वी नीड टू नो दिस कि इसके पीछे प्रोसेसर के अंदर एक सर्किट है जो रन होता है। ऐड की जब इंस्ट्रक्शन रन होती होंगी, जब ऐड की कमांड चलती होगी, तो पीछे जब दो उसको वैल्यूज देते हैं कि यार ये एक्यूमुलेटर में वैल्यू लिखी हुई है और ये ऐड के आगे वैल्यू लिखी हुई है, दोनों को ऐड करके एक्यूमुलेटर में अपडेट करना। What happens behind the scene when we are running assembly language, those instructions goes, those values goes, और वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में से गुजरती है। इसका मतलब ये कि जो ऐड की कमांड होगी उसके पीछे उसका एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिजिकली एग्जिस्ट करता हो, कंपेयर के इंस्ट्रक्शन का एक फिजिकल सर्किट एग्जिस्ट करता होगा, एंड सो ऑन। तो जितनी ज्यादा आपके पास इंस्ट्रक्शन होगी, उतना ही ज्यादा सर्किट भी पीछे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। जितनी इंस्ट्रक्शंस कम होगी, रिड्यूस होगी, कम होगी, उतना ही आपका सर्किट भी कम कॉम्प्लेक्स। तो ये जैसे मैंने वहां एक एनालॉजी बनाई थी, यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। मोर इंस्ट्रक्शंस, मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स, लेस इंस्ट्रक्शंस, लेस कॉम्प्लेक्स सर्किट। दिस इज द रीजन के रिस्क वर्सेस दो तरह के प्रोसेसर के आर्किटेक्चर, एक में जिसमें हमने इंस्ट्रक्शन सेट्स को रिड्यूस रखा है, एक में कॉम्प्लेक्स रखा। तो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट मीन्स सिंप्लीफाइड सर्किट। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किट और अगर हम कॉम्प्लेक्स सर्किट का जिक्र करेंगे तो इसका मतलब मोर वायर्स, ये वाला कॉन्सेप्ट। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के अंदर जो होगा वो कंपाइलर को कम टाइम लगता है। कंपाइलर टेक लेस टाइम। ठीक है, स्लो कंपाइलेशन अनदर वे अराउंड। इसमें क्या होगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन कैन डू द जॉब। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस, या मल्टीपल नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हम अभी हम MIMDs वगैरह करते हुए आ रहे हैं। मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू डू सिंगल टास्क, क्योंकि इसका इंस्ट्रक्शन सेट कम है ना, किस वजह से। इसके नीचे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो अगर हमें उसे रिस्क के अंदर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे।
एलरेडी ए करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, ऐड बी करेंगे, स्टोर सी करेंगे, खाली इस इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए। इसमें पता है क्या होगा, इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ, उसको पता है कि इस तरह की हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करती है कि हमने ऐड किया सी किया कॉमा ए कॉमा किया कॉमा बी कॉमा किया ए और बी को आपस में ऐड करना होगा, सी के अंदर स्टोर करना होगा। लेकिन अगर हमारे पास रिस्क आर्किटेक्चर होगा, उसकी असेंबली लैंग्वेज होगी, तो उसके लिए मैं सारा की तीन इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। बाय लुकिंग एट इट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि यार ये कमांड तो बड़ा मजा आया हमने सिंगल कमांड दे, लेकिन इसके पीछे कंपाइलर को टाइम ज्यादा लगेगा इसको डीकोड करके रन करने में, तो कंपाइलेशन स्लो हो जाएगी। इसके अंदर कंपाइलर चेल है ये इंस्ट्रक्शन है, तो कंपाइलेशन ऐसा नहीं है। लुकिंग एट इट वी कैन अंडरस्टैंड दैट, तो ये रिस्क और सिस का एक्चुअल डिफरेंस है। बाकी एक दो बातें और मैं कह देता हूँ, लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये कि रिस्क जो मोस्टली हमारे करंट जनरल पर्पज कंप्यूटर्स हैं स्मार्टफोन्स हैं वो रिस्क है, और जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर सेटेलाइट्स में लगे हुए हैं या किसी पर्टिकुलर रोबोट में लगे हुए हैं, मैंने मार्स की डिस्कवरी रोबोट है तो उसके अंदर हम सिस कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स वाले प्रोसेसर यूज करते हैं। इसमें हमारे पास कमांड का हार्डवेयर कमांड्स का जो है वो सेट बड़ा होता है। यहाँ पे एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं मेंशन कर दूं, वो ये कि रिलायंस ऑन सॉफ्टवेयर, मैंने रिलायंस के स्पेल से ही लिखे, और डिपेंड्स मोर ऑन हार्डवेयर। जो रिस्क कंप्यूटर होता है वो उसके अंदर तरह तरह के बड़े बड़े विंडोज और जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हो, इवन जो आपका प्रोग्राम का कोड है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो उस सॉफ्टवेयर पे ज्यादा डिपेंड करता है। जो रिस्क है वो आपका ज्यादा डिपेंड करता है हार्डवेयर के ऊपर। इसी वजह से जो आपके जैसे मैंने सेटेलाइट का जिक्र किया या रोवर का जिक्र किया जो कि मार्स पे घूम फिर रही है, तो वो ज्यादा हम प्रेफर करेंगे क्या, पूरा सॉफ्टवेयर के अंदर गड़बड़ाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक फिजिकल आपने हार्डवेयर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है प्रोसेसर को, उसको आपने एक प्लैनेट अर्थ से आपने इंस्ट्रक्शन भेजी सभी लैंग्वेज की और उसने एक टास्क परफॉर्म कर दिया, ये ज्यादा बेटर है। तो अपनी अपनी दोनों की एप्लीकेशन दोनों आर्किटेक्चर। अगला जो कॉन्सेप्ट है जो मैं चाह रहा हूँ कि बिफोर गोइंग टू द पास पेपर्स हम डिस्कस कर लें, वो है थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड, वो कॉन्सेप्ट है आपके पास हाफ एडर का। इसमें थोड़े से सर्किट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, लॉजिक गेट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाफ एडर का सिंपली कॉन्सेप्ट ये है कि सिंगल बिट एडर है, वी ऑलरेडी नो दिस कि अगर आप जीरो और जीरो को ऐड करते हो तो आपके पास सम और कैरी वाला कॉन्सेप्ट है, कैरी जीरो आएगा सम भी जीरो आएगा, ऐसे ही है ना। और अगर आप जीरो और वन को ऐड करते हो तो सम आपके पास वन आएगा, कैरी जीरो आएगा। वन जीरो को ऐड करते हो तो वन जीरो, अगर आप वन और वन को ऐड करते हो सम जीरो आएगा, कैरी वन आएगा। ये इसका सर्किट बनाना। फिर तो उसके बाद हम फुल एडर की तरफ चले जाएंगे।
उसको खैर हम बाद में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम तीन बिट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सर्किट गोज समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक एंड गेट है, जोर गेट पहले बना लेते हैं, क्योंकि जोर गेट का जो आउटपुट है वो होता है सम, और एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो होता है कैरी। सो वी हैव टू इनपुट्स ए एंड बी, दिस इज ए, दिस इज बी। इसको हम क्यों सम कहते हैं और इसको हम क्यों कैरी कहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप, लेट्स सपोज इफ दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी एंड ऑल द अदर्स आर एज एंड बीस, तो ए अगर तुम्हारा, मैं इसकी मिसाल ले लेता हूँ, ए बी, अगर ये आपके पास वन है और ये जीरो है, जोर गेट और ट्रू टेबल क्या होता है, अगर डिससिमिलर हो तो आउटपुट वन होता है, 0 1 में हमें यहाँ पे वन नहीं। कैरी हमारे पास 0 1 एंड गेट का इनपुट 0 और 1 आएगा तो ये 0 ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ इस जगह पे इसको मैं अप्लाई करके देखता हूँ, अगर मेरे पास ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो जोर में सिमिलर इनपुट के ऊपर आउटपुट 0 होगा, लेकिन एंड में 1 और 1 1 होगा। तो ये जो छोटा सा सर्किट है ये बिहेव करेगा आपका, ये आपको हेल्प करेगा एक सिंगल बिट को ऐड करना। जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास फिजिकल ट्रांजिस्टर्स का सर्किट है, एक बिट को ऐड करने के लिए आपके पास एक सर्किट होगा जिसमें आप 0 से 1 को डालोगे तो सम्स एंड कैरीज मिलेंगे। मोर देन 1 बिट्स को ऐड करोगे तो वो फुल एडर का रहेगा। जैसे हमारे सिलेबस के अंदर जो फुल एडर है, उसका खैर हमारे पास सर्किट भी है, वो मैं आपको 5 पेपर्स में से दिखा दूंगा। तो जो फुल एडर है, ठीक है, उसके मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हाट इफ आपके पास 3 1s आ गए, तो नीचे सम भी 1 आएगा और आपके पास जो कैरी है वो भी 1 आएगा। ये टारगेट अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, उसके लिए फिर फुल एडर बनाओगे, इसमें आप 2 हाफ एडर सर्किट को मिक्स कर दोगे, हाफ अराउंड फुल हो जाएगा। अब सर्किट बढ़ाते चले जाओ, अब ज्यादा बिट्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं एक पास होगा तो मैं करके दिखा दूंगा। हमने ऐसा लेक्चर्स नहीं किए। अच्छा, ऐसा लेक्चर्स थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, तो मैं क्विकली तुम्हें एक चीज और करवा देता हूँ जो रिस्क आर्किटेक्चर से एसोसिएटेड है। रिस्क आर्किटेक्चर के अंदर में काम कर सकते हैं, वो है रिस्क पाइपलाइनिंग। इसको भी हम पास पेपर से रही काम आसान हो जाएगा। जल्दी से हमने जितनी चीजें पढ़ी है इसको पास पेपर से अप्लाई करके देखो। चलें जी, इसके बाद चैप्टर 15 में मेरे ख्याल में एक ही चीज आ जाएगी, एस आर लेचेस जेके फ्लिप फ्लॉप बस, और फिर हम चैप्टर 16 की तरफ चले जाएंगे। ओके, तो टॉपिकल बुकलेट लोगों के पास होनी चाहिए। यस, रिपीट के टॉपिक। ऑलराइट, क्या बात है, हमारे पास वही टॉपिक एकदम से सामने आ गया। डिस्क्राइब द यूज ऑफ पाइपलाइनिंग इन रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। द पर्पस ऑफ द पाइपलाइनिंग इज टू मेक श्योर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू आर बिजी, दे शुड नॉट लेफ्ट आइडल, आइडियली आइडल। टू
take the maximum output from system. ये तो थ्योरी होगी, इसको ऊपर लिखिएगा आराम से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, द बॉयज यहाँ पे देख लो, मैं पहले उसको थोड़ा सा बना देता हूँ। सीन्स ये है कि यार देखो, तुम्हारे पास ना एक सीपीयू मौजूद है, उसके अंदर तुम्हारे पास ALU मौजूद है, उसमें तुम्हारे पास CU मौजूद है, फिर तुम्हारे पास कुछ रजिस्टर्स मौजूद हैं जो कि डेटा को यूज आप कर रहे हो फेच वगैरह करने के लिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं सीपीयू को। और एक तुम्हारे पास पार्ट रजिस्टर्स हैं जो कि फेचिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अगर आप पाइपलाइनिंग ना करो तो मेन मेमोरी से आप इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से, आपका प्रोग्राम चल रहा है, आपकी छोटी सी फैक्ट्री है, उसमें आपने चार पांच लोगों को हायर किया, तो आप उनसे किस तरह से काम लेते हो? आप के पास ये दो बंदे यहाँ पे खड़े हैं, तीसरा बंदा चौथा बंदा ये खड़ा, सही है? ऑफ्टन रजिस्टर्स आपका फेच वाला काम कर रहे होते हैं, हमें ऑलरेडी पता है। अभी अभी पीछे पड़ कर रहा है, ये क्या करता है? ये डीकोड करता है। अभी अभी पढ़ कर रहा है, ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। फिर एक चीज राइट बैक भी होती है, ऑपरेंड फेच भी होती है, ठीक है? वो भी बीच में कुछ आपके पार्ट ऑफ कंपोनेंट्स यूटिलाइज होते हैं। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको अपनी इंस्ट्रक्शन को पहले लेट्स सपोज फेच करवाना, आपकी पहली पहली इंस्ट्रक्शन हो गई, आपकी ये दूसरी इंस्ट्रक्शन हो गई, आपकी ये तीसरी इंस्ट्रक्शन हो गई। आपने जब पहली इंस्ट्रक्शन को यहां पे फेच किया, इसको हम इंस्ट्रक्शन नंबर वन कह रहे थे अपनी आसानी के लिए, इंस्ट्रक्शन नंबर तीन हो गए। आपने पहले इंस्ट्रक्शन को यहां पे फेच किया, फेच करने के बाद आपने इसको यहां पे डीकोड कर भेज दिया, डीकोड करने के बाद आपने यहां पे इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद फिर आपने दूसरे सेक्शन को किया फेच। एक तरीका तो ये है, ये विदाउट पाइपलाइनिंग है। पाइपलाइनिंग में होता है कि सारे बंदों को बिजी रखो, उसमें तुम क्या करोगे, पहली को फेच करने के बाद जब आप डीकोड पे लेकर आए, पीछे से दूसरे सेक्शन को यहां पर उठा के ले आओ दूसरे साइकिल में। अच्छा, जब ये यहां पे एग्जीक्यूट होने के लिए आएगी तो दूसरी वाली यहां पे डीकोड होने के लिए आ जाएगी और तीसरी सेक्शन यहां पर आ जाएगी फेच होने के लिए। सारे लोग काम में, सबके हाथ चल रहे हैं, सब मुझे पाइपलाइन है, दिस इज पाइपलाइन एफिशिएंसी बढ़ गई, पाइपलाइन में काम, इंडस्ट्री के अंदर 10 लोग खड़े हुए, सब बिजी हैं, यहाँ से चीज उठाई वहां पैक करके डब्बे में, ठीक है, बाहर निकाल रहे। तो यहाँ उसने बोला कि हमारे पास पांच लोग हैं, इंस्ट्रक्शन फेच है, इंस्ट्रक्शन डीकोड है, ऑपरेंड फेच है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट है, फिर राइट बैक रिजल्ट्स। और आपके पास इंस्ट्रक्शन कितनी है? ओके, कंप्लीट द टेबल टू शो हाउ अ प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ सिक्स इंस्ट्रक्शंस वुड बी कंप्लीटेड यूजिंग पाइपलाइनिंग। अगर हम पाइपलाइनिंग अचीव नहीं करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि पहली इंस्ट्रक्शन को हम करते फेच, इसको करते, ठीक है, इंस्ट्रक्शन डीकोड, इसको करते, सॉरी मुझे यहाँ पे वन ही लिखना चाहिए था, पहली इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड फेच हो गई, यही एग्जीक्यूट हो गई, यही राइट बैक हो गई, फिर यहां पे छठे साइकिल में बारी आएगी दूसरे इंस्ट्रक्शन की। अगर हर इंस्ट्रक्शन को पांच स्टेप्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए और छह इंस्ट्रक्शन हैं, और अगर मैं पाइपलाइनिंग नहीं करता तो टोटल कितने साइकिल्स चाहिए?
मैथ्स मैथ्स। पांच हर इंस्ट्रक्शन को चाहिए, छह इंस्ट्रक्शन है, पाइपलाइनिंग नहीं करता है, तो 6 × 5 30 साइकिल चाहिए होगा। ठीक है, विदाउट पाइपलाइनिंग 30 साइकिल। अगर हम पाइपलाइनिंग कर लेते हैं तो जब ये यहाँ पे तो दूसरा यहाँ पे फेच, सही है। वैसे समझाने के लिए ना मुझे इसको यूं नहीं बनाना चाहिए, बस 1 सेकंड ही लगेगा, लेकिन हमारी अकल में ज्यादा बेहतर, हमें क्लियर होकर समझ में आ जाएगा। 6 सेक्शन चलानी है, तो पहली वाली पहले साइकिल में फ्रैक्चर हुई, दूसरे साइकिल में वो चली गई अपने दूसरे मरहले में डिकोड होने के लिए, दूसरे साइकिल में ऊपर वाला पोर्शन खाली था, फारिग बैठा हुआ था, तो हमने यहाँ पे दूसरे वाले को हमने फ्रैक्चर कर लिया। ये यहाँ जब चली गई तीसरे साइकिल में, तो तीसरे साइकिल में ये यहाँ पर आ गई, ऊपर वाला क्योंकि फ्री था तो हमने यहाँ पे थर्ड वाले को उठा ली, सही है। इधर ये इधर इधर ऊपर वाला फारिग था, एक और सेक्शन थी, हमने यहाँ उठा ली चार। ये इधर दो वाला, इधर तीन वाला यहाँ तक पहुंच गया, चार वाला यहाँ पर आ गया, हमने पांचवी उठा ली, सही है। तो फिफ्थ साइकिल के ऊपर सारे के सारे लोगों के हाथ बिजी है, सब बिजी है यहाँ पर। तो 1 तो कंप्लीट हो गई ना, 2 यहाँ पर आ गई, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे फेच कर ले, 2 भी खत्म हो गए, 3, 4, 5, 6 और 4, 5, 6 वो भी खत्म, 5 और 6 और तो हमने 20 साइकिल सेव कर लिए बिकॉज हमने पाइपलाइनिंग। तो ये चीज भी आपको बतानी आनी चाहिए, सब टाइम पूछता है के काम करने के, अलग अलग इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में भी आते। तो दैट वाज अबाउट पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का एक क्वेश्चन वो और पूछा करता है कि सम टाइम उसने एक सिनेरियो दिया हुआ था, मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। मेरे पास क्वेश्चन होगा के अंदर, हो सकता है मैं उस कोर्स को डाउनलोड भी करके रखा हूँ। इन एनी केस दिस इज A211 हार्डवेयर, पाइपलाइनिंग का ही क्वेश्चन। ओके, जंप करके फाइंड दैट क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे। देयर इज वन अनदर कीवर्ड R1, यस दिस इज द वन। इसमें क्वेश्चन के अंदर तो यहां पर उसे एक इंस्ट्रक्शन दे दी है, समझाया हुआ सब बताया कि यार ये उसी तरह की जो हम डिस्कस कर रहे थे ना इंस्ट्रक्शन, शायद मैंने यहीं से मुझे याद की तो मैंने लिख दी सिस के अंदर। इंस्ट्रक्शन है एट डेस्टिनेशन ऑपरेंड 1, ऑपरेंड ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2 के आप यहाँ अगर लिख दोगे 5, यहाँ लिख दोगे 2 और यहाँ पे लिख दोगे x, x के अंदर 5 + 2 ऐड होके जमा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, सही है ना, इस एड R3 का मतलब ये है कि R2 और R1 ऐड होके इसका रिजल्ट R3 में स्टोर होगा। इस पूरी इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है, सही है, ऐड के ऊपर उसे बता दिया। वो कह रहे हैं कि 3 इंस्ट्रक्शन ऐसे एक दूसरे के साथ क्यों रखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। मतलब ये वाला सीन है, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। यहाँ पे क्या रीजन है कि आप पाइपलाइनिंग नहीं कर सकते, जब पाइपलाइनिंग की वजह से आपका आंसर ठीक नहीं आया। इंस्ट्रक्शन देखो, इंस्ट्रक्शन फेच होती है, फेच होके डिकोड होगी, डिकोड होकर जब एग्जीक्यूट होगी, एग्जीक्यूट होने का मतलब R1 R2 आपस में प्लस होंगे, फिर वो जब राइट बैक होगी तो इसका मतलब R1 R2 प्लस होकर जो रिजल्ट है वो R3 में स्टोर हो गया,
पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो R3 के अंदर R1 R2 की वैल्यू स्टोर हुई। यहां पाइपलाइनिंग का अब फिर प्रॉब्लम क्या हो, ये पूरी एक सेक्शन है। अगर आपने पहले सेक्शन को फेच किया, फेच करके इसको अभी खाली डीकोड पे भेजा पहली वाली में, दूसरी वाली को तुमने फेच कर दिया, इसका मतलब पहली वाली का तो अभी रिजल्ट R3 में अपडेट ही नहीं हुआ था। इस R3 को और जब आप अगले सेक्शन में यूज करोगे, इसकी अपडेटेड वैल्यू इसको नहीं मिलेगी, जो भी प्रीवियस वैल्यू इनकरेक्ट वैल्यू होगी वो R3 में ऐड कर देगा। इसका तरीका यह है कि पहले सेक्शन को पूरा चलाओ, चलाने के बाद फिर यहां पे दूसरे सेक्शन को उठाओ ताकि R3 आपको अपडेटेड मिले, इसका हल। तब तक उसको रोक के रखो, खाली जाने तो सही, खाली जाने में फिर रुको, दैट्स व्हाई यहां पे आप पाइपलाइनिंग नहीं कर सकते। और ये पाइपलाइनिंग का एक लास्ट कॉन्सेप्ट था जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। यार इंशाल्लाह अब हम इस पोजीशन में हैं कि अगली क्लास में एक फुल लेटर का क्वेश्चन सॉल्व करें और JK और SR को करके अच्छी तरह से उसको बंद करके रख दें। चैप्टर 15 बिल्कुल बिल्कुल वो चीज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, चैप्टर 15 इज ऑलमोस्ट डन।